पिशावर में लिखी दो शुगर मिल है ऑलरेडी, 410 शुगर मिल और फ्रंटियर शुगर मिल तक भाई पहले ही बंद हो चुकी हैं। आखिरी इतलात के मुताबिक खजाना शुगर मिल ने भी आखिरी सीजन के बाद अपना सारा स्टाफ फारिग कर दिया। अब सिर्फ वाहिद प्रीमियर शुगर मिल है जो पिशावर वैली में रह गई है और अफसोस के साथ के वो भी बंद होने के किनारे पे खड़ी है। मैं थोड़ा सा आदाद शुमार के साथ आपसे बात करना चाहूँगा कि इस वक्त पिशावर वैली में तकरीबन 2 लाख एकड़ पे गन्ना काश्त किया जाता है और उससे तकरीबन 37 लाख टन गन्ना पैदा होता है, 3.7 मिलियन टन केन पैदा होता है, जबकि शुगर मिल की जरूरत सिर्फ 5 लाख टन गन्ना है। टोटल केन की पैदावार का 13.5% से 15% गन्ना रिक्वायर्ड है शुगर मिल को चलने के लिए। ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मेहरबानी करें अपना अपने गन्ने से 15% गन्ना हमें दें ताकि ये मिल चलती रही है। आपकी फ्यूचर के लिए आपकी एक मनसूबाबंदी है, एक इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर की, ये हमेशा रहेगी। मिल बंद होने से हजारों मुलाजमीन जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, जो कंडीशन पिछले 2-3 साल से प्रीमियर शुगर मिल की है। अगर कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट होता तो वो अब तक इस मिल को बंद कर चुका होता, लेकिन मालिकान जो हैं वो चूंकि इस इलाके से बिलोंग करते हैं, इस इलाके से उनका ताल्लुक है, वो नहीं चाहते कि इतने सारे लोगों को यहाँ बेरोजगार किया जाए। तो उनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी ना किसी तरह ये फैक्ट्री चल जाए। इसीलिए वो हम लोगों के पास जा रहे हैं, बार बार जाके ये बात कर रहे हैं कि खुदा के लिए इस मिल को बचाने में हमारी मदद करें। उस दर तम लग गया फिर सूख दे तरफ से जमींदार काशकार तरफ से सूख गूंज जा दाड़ वही नहीं पड़े बल्कि जमींदार काशकार से हैसियत या सो मकाम सा बेर अफसोस थे पिंजात या मुँह फसलों के काशकार जमींदार उस रहा दाम मसाला जी चिकला दो तखबे मिल बंद छो और गरीब ने मेरा वेदन मुंगा मुतालबा छोड़ उगड़ा कि हुकूमत ने उलगी दे मिलता दे टैक्स माफ की चागा कम रेट मुकर्रर गवर्नमेंट की तरफ ना अगर लगी नागा दे सर वो मिल शामिल की खलक बगैर मिल लगी लेकिन आगा उन्हें हुआ ब्याह 4 सदा चला ब्याह मुबा हुकूमत बार बार मरकजी तब उस सुबह तब इच्छा पे हुआ गुरुगा नतीजा दाश हो जन खजाने मिल चकम दे अब मजदूरान रोस्त करो वाकत तरह बर्बाद दे और खुदा आदत पाते शो जबरदान मिल हम जंग खत्मी में कानून मौजूद है और हम मौजूदा हुकूमत से मुतालबा ये करते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ कंट्रोल एक 1950 है उसमें जो कानून मौजूद है उस कानून के मुताबिक वो अपना किरदार अदा करें। अगर वो अपना किरदार अदा करते हैं तो फिर ये मिल भी बंद होने से बच सकती है और ये मज़दूर जो उसमें हज़ारों मज़दूर है वो भी बेरोज़गार होने से बच सकते हैं। हम फिर भी ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इस जितने भी ये मसाइल हैं जिस तरह इन्होंने और इन दोनों ने वजाहत की कि इस पे गौर गौस होना चाहिए और इसके लिए कोई कानूनी लाहेमल बनाना चाहिए पिशावर वैली के लिए कि ये एशिया की सबसे बड़ी मिल यहाँ लगी। और पहले भी मैंने बात की कि यहाँ से पूरी पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री चली। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि ये यहाँ से सफ़ा हस्ती से चीनी की बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो ख़त्म होने जा रही है, चीनी ही ख़त्म हो जाएगी पिशावर वैली से। तो बहुत बदकिस्मती की बात है। आप लोग मेहरबानी करें थोड़ी सी तवज्जो, अगर इस तरफ हो, हम ज़्यादा बात नहीं करते, सिर्फ 15% गन्ने की आपकी फसल की 15% हमें दें तो इंशाल्लाह ये मिल भी चलेगी, बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह चलती रहेंगी। एक्चुअल गुड़ इस इलाके में बहुत ज़्यादा बन रहा है, आपको इस बात का पता है कि चीनी बनाने के लिए शुगर मिलें जो लगाई जाती हैं अरबों रुपए का सरमाया लगा के वो शुगर मिलें लगाई जाती हैं, उसके ऊपर काफ़ी किस्म के गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं जो हम देते हैं। गुड़ पे तो कोई टैक्स नहीं है, गुड़ बन रहा है गुड़ पे कोई टैक्स नहीं है, उसने कोई जो मज़दूरों को जो मिनिमम वेजेस वगैरह के कानून वगैरह हैं या और दूसरे माहौलियात के कानून वगैरह हैं वो सारे हम पे आते हैं, लेकिन उस पर तो कुछ भी नहीं है, टैक्स फ्री गुड़ बन रहा है। तो वो ज़मींदार को ज़्यादा पैसे दे सकते हैं। हमारा मुकाबला बाकी पूरे पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री से है, ट्रेड फ्री है पूरे पाकिस्तान में।
सिंध से चीनी यहाँ के पिशावर में बिकती है, पंजाब से चीनी आके यहाँ बिकती है, वो 200 रुपए में गन्ना लेकर चीनी बना रहे हैं, हम 300 रुपए में गन्ना लेकर कैसे चीनी बना के कहाँ बेचेंगे वो चीनी अपनी? गुड़ वालों को ऐसा कोई पाबंदी नहीं है, वो बना रहे हैं अपने, उनको ऊपर ना कोई टैक्स है ना कोई कानून है, तो वो इसीलिए हमें गन्ना नहीं मिलता उनको ज़्यादा गन्ना, क्योंकि वो ज़्यादा पेमेंट उन्हें कर रहे हैं। पिछले साल हमने कोशिश की कि हम कुछ पैसे बढ़ा के उन्हें दे, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दे, लेकिन हम उसको पूरा नहीं कर सके। हमने सबसे बड़ा 17% टैक्स सेल्स टैक्स हमने देना है जो गुड़ पे नहीं है। अब ये 17% अगर गवर्नमेंट हमें, जैसे सदर साहब ने बात की, अगर वो माफ़ कर दे तो वही हम जमींदार को देके उसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें इवन प्ले ग्राउंड नहीं मिल रहा है, हम उसका मुकाबला कर ही नहीं सकते। अगर इवन प्ले ग्राउंड हमें मिले तो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं। मैनेजर साहब मसूद खान ने कह दिया और जनरल मैनेजर साहब ने भी कह, हम देंगे, ये ज़रूर देंगे, ताकि क्योंकि हमारे काश्तकार गरीब हैं, शाम को उसके रोटी नहीं होता है, वो कत कैसे खरीद सके, तो गन्ना की पैदावार कम हो जाता है। जब इस तरफ से इसके साथ इमदाद हो जाए तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये पैदावार हम उस वक्त तक, पहले हमारे शुगर में जून जुलाई तक चलते थे, अगले साल के लिए गन्ना रह कर अगले साल वो रह जाता था, लेकिन अफसोस का मकाम है कि अब हमारे सूबे में ये टाउनशिपें और ये धड़ाधड़ ज़ाती इन्हें इनफरादी घरें जो बड़े बड़े महलात बनाते हैं, और उसके लिए कोई कानून नहीं है कि इतना घर इतना बनाना चाहिए, और बस अगर ये हालत रहा तो मेरे ख्याल से हमारा सूबे का हम इन्हें रकबा अगर फी का तकसीम करें दो कनाल आता है, पंजाब 60-70, सिंध 80-90 और फीकस बलूचिस्तान उससे भी ज़्यादा, हमारा कम रकबा है, हमारा आबादी ज़्यादा है और आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है, हुकूमत को चाहिए कि इस तरफ तवज्जो दे रही।